नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभेंद्र शुक्ला। प्रांतीय महामंत्री राजकुमार शर्मा और जिला अध्यक्ष अनुराग खरे के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन द्वारा 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि केंद्र और अन्य राज्यों के समान मध्य प्रदेश सरकार भी कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता देने की घोषणा करे और एरियर्स का भुगतान एकमुश्त किया जाए। राज्य शिक्षा सेवा में की गई नई नियुक्तियों की सेवाओं की निरंतरता में शिक्षा विभाग में संविलियन कर व्याख्याता, उच्च श्रेणी शिक्षक और सहायक शिक्षक पदनाम किया जाए। 1 जनवरी 2016 से दिए जाने वाले छठवें वेतनमान की विसंगति दूर हो, अव्यवहारिक न्यू पेंशन योजना बंद हो और बदले की भावना से किए गए स्थानांतरण निरस्त हों। इस तरीके से तमाम मुद्दों को रखकर ये ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष मुफीद खान ने कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए जिले में एनपीएस कटौती की पुस्तिका संधारित कराने और 12 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में क्रमोन्नति का लाभ दिलाए जाने की मांग भी की है। आज यहां पर जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं वो ज्ञापन दिया गया है कि यह जो केंद्र के समान जो एरियस दिया जाता है 28% भत्ता उसके संबंध में है और जो पुरानी पेंशन है उसको लागू करने के संबंध में है और जो स्थानांतरण हुए हैं उनमें जो लोग शेष रह गए हैं उनके स्थानांतरण आदेश निकालने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो एनपीएस का है एनपीएस कटौती के संबंध में यहाँ एकत्रित हुए हैं।